हाय फ्रेंड्स, मेरा खुशबू किचन में आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, छोले का रेसिपी है बिना उबाले हुए ही। कृपया आप देखें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, मैंने रात को ही फूलने के लिए डाल दिया था छोले, और ये कच्चा है, ये इसे मैंने उबाला नहीं है। आज मैं बिना उबाले ही छोला का रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। कृपया मेरे वीडियो देखिए। अब मैं ये देखिए दोस्तों, मैं प्याज लहसुन और अदरक मिर्च को मिक्सी में पीस लेती हूँ और इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अब मैं गैस को ऑन करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा कुकर गर्म हो गया है। अब मैं इसमें तेल डालती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ खड़े मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब मैं जो पेस्ट जो पीसी हूँ, अदरक लहसुन हरा मिर्च का, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। दोस्तों ये अच्छे से भुना गया है। अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। देखिए हल्दी पाउडर है, देखिए धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं। ये गोलकी जीरा का पाउडर है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिला ले रही हूँ। और इसे अच्छे से चला लीजिए आप, तो ये मसाला जले नहीं। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ कलर के लिए। अब 5 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से पकने दीजिए। अगर आपके पास दोस्तों टमाटर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो टमाटर के बिना भी ये छोला अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप जरूर ट्राई करके देखिए। मैं आज इसमें छोला मसाला भी नहीं डालूंगी, बस इसमें गरम मसाला डाल के दिखाऊंगी ये कितना टेस्टी बनता है छोला। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने छोला को नहीं उबाला है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा छोला के कलर कितना अच्छा आया है। और मैं थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, 1 गिलास मैंने डाल दिया और हाफ गिलास और इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा छोला अच्छे से सिझ जाए इसमें। लास्ट में नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप स्वाद अनुसार अपना डालिए। मेरी रेसिपी है दोस्तों, अगर आपको जल्दी खाना है तो आप बना सकते हैं इस तरह से छोले। ये देखिए दोस्तों, मैं 1/2 स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ सिर्फ इसमें। इसमें मैं छोला मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, बस इसको अच्छे से चला लेते हैं।
अब 10 मिनट में मेरा छोला बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें 6 सीटी आ जाएगा दोस्तों, आप बंद कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा छोला बनकर तैयार हो गया और मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से पक गया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर देखने में लग रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी है। ये आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, छोला भटूरा के भी ये भटूरे के साथ भी खा सकते हैं और ये राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी बना है दोस्तों, एक बार आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आपने देखा बिना मैंने इसमें टमाटर डाले और छोले मसाले के बिना बना है। ऐसा मत समझिएगा दोस्तों कि आपके पास जो अवेलेबल है वही चीज़ इसमें पड़ेगा, नहीं दोस्तों, आप ऐसे भी बना कर देखिए, आपको बहुत अच्छा ये से बनेगा छोला। और आप थैंक यू दोस्तों।